फिर उठाऊ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधे राधे। तो आज है अक्टूबर 13 और अभी बज रहे हैं 4, बिकॉज हमको कल आने में बहुत देर हो गई थी। मतलब आने में साईं बाबा के मंदिर में जाने में लेट नहीं हुआ था, लेट हुआ था काइंड ऑफ 11:30 हो गए थे। और फिर हम इधर विसर्जन के लिए रुके ना, तो उधर टाइम लग गया। फिर हम घर पे आए, देन हम फिर से शांता दुर्गा में गए। 2 बजे तो हम शांता दुर्गा में गए एंड उधर से हम शांता दुर्गा से आए एंड बाद में हम बातें करने बैठ गए, सब नहाए वगैरह एंड बातें करने बैठ गए। कितनी जल्दी टाइम गया पता ही नहीं चला, कब 4 बजे पता ही नहीं चला। फिर हम 4 बजे ये करे सोने के लिए गए और लिटरली 5 या 6 बजे सोए एंड खत्म ही नहीं हो रही थी बातें। एंड अभी मैं 10:30 बजे कुछ उठी एंड देन एडिटिंग किया वगैरह किया। वो अपेक्षा लेट उठी और आज घर में बन रहा है चिकन। तो आज है, आज का मेन्यू है चिकन शाकुती, बांगड़े फ्राई, आई थिंक मैकरल का ये करी भी है एंड ब्राउन राइस और पूड़िया बन रही है। तो अभी तो ऐसा कुछ सीन, मतलब आज हमको लिटरली अभी तक खाना भी नहीं खाया हमने, सिर्फ वो पूरियां ही एकर तल रहे है। 4 बज गए हम खाना भी नहीं खाए और लेट हुआ बिकॉज चिकन लेट लाया गया था। और वो निशा ने किया आज, वो बोलने लगी कि मैं करती हूँ साफ। उसको लिटरली 1.5 घंटे लगे भाई ये करने के लिए, साफ करने के लिए। लिटरली ईच एंड एवरीथिंग वो निकाल रही थी, तो उसने वो निकाला, उसको बहुत टाइम लग गया। और मैं उसको कंपनी देने के लिए उधर गई थी, सो शी वाज लाइक तुम जाओ इधर से, बिकॉज मेरे को जब कोई होता है तो अब काम नहीं होता है। तो आई वॉज लाइक ओके, मैंने मेरी एडिटिंग ख़त्म की तब तक। और बाद में अपेक्षा उठी एंड देन अभी वो पूरियाँ ये कर रही है, तल रही है। और थोड़ी पूरियाँ इसने वो निशा ने बेली और थोड़ी तीनों ने थोड़ी थोड़ी बेली है एंड अभी वो सिर्फ तल रहे हैं। एंड देन अभी हम खाना खाने को बैठेंगे। मैं आपको आज का ये दिखा दूंगी, प्लेट दिखा दूंगी कैसी दिख रही है। और ऐसा कुछ सीन है आज का। और किधर जाएंगे आज, कहाँ जाएंगे, वो कुछ ऐसा प्लान्ड नहीं है। अपेक्षा 2-3 ये बोल रही थी कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे करके, बट देखते हैं कि एस टाइम ये करे परमिट करे, बिकॉज अभी तो 4 बज गए हैं। अभी ये चिकन वगैरह खा के जो आलस आने वाला है नेक्स्ट लेवल, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैं तब तक आपको ये दिखा दे हूँ किचन में क्या सीन है, लेट्स गो। तो ये है फ्रेश तली हुई पूरिया और ये बनाया है मम्मी ने चिकन। और क्या है इधर है बांगड़ा फ्राई और ये है करी जो मैं खोल के नहीं दिखाने वाली, मेरे को और आलस आ रहा है। एंड ब्राउन राइस से आज का लंच सॉर्टेड है। और मम्मी गई है कोक लाने को, इसलिए वो सब रुके। और मेरे को इसने भेजा है कि तुम परोसो करके। तो ये रहा चिकन शाकुती। गाइस ये है अमरूद, मतलब गुआवा। तो अभी बज रहे हैं 10 o'clock और हम अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। पूरा दिन हमने व्लॉग नहीं किया बिकॉज कुछ था ही नहीं कुछ करने को। तो अभी हम जा रहे हैं, वही व्लॉग करेंगे एंड वही होगा। तो चलो, तो अभी हम पहुंच गए और हमारा शॉर्मा भी आ गया। ये और ये मम्मी के लिए और वनीशा के लिए आधा आधा। और ये रहा चिकन शॉर्मा, सॉरी बर्गर। और हमने लिया है फ्राइज, ये रहा सॉस। बर्गर कैसा है? बहुत ही। The next day. तो हमने डिलीवरी मंगवाया था आइसक्रीम का और उसके साथ स्विगी पे आइसक्रीम पैक्स है ना, ये देखो पूरा आइसक्रीम का ये जो आता है ना आइस पैक, वो इधर फेंक के गए हमारे घर के सामने। अरे इधर दो। और मुझसे ये कर रहा है कितने सारे उड़ाए भाई उसने,
बेश्टे थोड़े इले काडू माझे कडे तीन हा बॅग व्हरता गो ते भितर तीन आलो तो थोय धरे साडी थोय तो अभी बज रहे हैं 12:45 रात के और मम्मी बना रही है चकरी देखो और ये देखो इनको आज क्या हुआ ये सूज गई इनको आज मधुमक्खी ने काटा हाथ पे हाथ भी सूज गए देखो कितना सूज गया ये देखो डिफरेंस देखो कितना इधर दो काटे और फिर वो दौड़ के इधर गए और इधर काटा उनको और अभी ये कल वनिशा के लिए बना रहे हैं मतलब वो कल जा रही है घर पे तो उसके लिए ओके देखो आ गई तो गुड इवनिंग गाइस अभी 12:48 बज रहे हैं और हमने अभी खाना खा लिया है आज बने थे घर में कटलेट्स मैक्रेल कटलेट्स एंड पोई और कुछ नहीं और कल का ही ब्लॉग हमने शुरू कंटिन्यू किया है बिकॉज कल ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने के लिए किधर भी गए नहीं आज भी किधर गए नहीं आज बट ये हो गया मम्मी को ये इसने काटा मधुमक्खी ने फिर वनिशा भी कल जा रही है और कल हम डॉक्टर के पास पहले जाएंगे देन वनिशा को छोड़ने जाएंगे एंड और क्या बताना था आज वो स्विगी का ये हो गया मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ तो हमने ऑर्डर किया था ये मटका कुल्फ़ी एंड कोक वगैरह ऑर्डर किया था तो वो आया पहले तो बोलने लगा कि मैंने आपको कॉल किया था लग नहीं रहा था मुझे लगा कि करा था आई थिंक बट हमको इधर नेटवर्क नहीं मिलता है ना इसलिए ये हो गया लगा नहीं तो आई वाज लाइक लगा नहीं होगा नेटवर्क की वजह से सो आई लग गई फिर उसने मुझे वो इसका बैग दिया आइसक्रीम का बैग तो मैं वो लेके आ रही थी आइसक्रीम रखने के लिए बाद में दूसरा बैग लूँगी करके तो वो लाइक रुको रुको और एक बैग है तो मैं गई फिर से और वो देने लगा दूसरा बैग दिया उसने और एंड वाज लाइक कि वो वाला बैग दे दो मेरे को तो मैंने उसको दे दिया और वो मुझे निकाल के देने लगा पहले जब वो पहली आइसक्रीम निकाल रहा था ना तब वो एक आइस पैक गिरा उसका तो मुझे लगा कि शायद इससे गलती से गिरा होगा बाद में मैं निकाल लूँगी करके फिर उसने मेरे को दो तीन वो बची कुछ जो चार आइसक्रीम थी वो दे दी एंड मेरे सामने वो पूरे 5 या 6 आइस पैक थे वो सब फेंकने लगा घर के सामने ही तो मुझे गुस्सा आया कि ऐसा क्या कर रहा है मैंने उसको पूछा क्या कर रहे हो यार ये इधर गंदगी क्यों फैला रहे हो फिर भी मैं बोलने के बावजूद भी वो फेंके जा रहा था पता नहीं उसको कितने दिए थे सब उसने उधर ही फेंके और मैंने बोला उसको रुको मैं आती हूँ और मैं ये मैंने उसको बोला कि मैं अभी तुमको रेटिंग दूंगी कि तुम घर के सामने ही मेरी गंदगी ये कर रहे हो करके तो ही वॉज लाइक कि मैं उसका क्या करूँगा दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉपरली वो डस्टबिन में फेंकना होता है कुछ भी कचरे की चीज़ होती है ना वो डस्टबिन में ही फेंकी जाती है वो लोगों के घर के सामने या किधर भी इधर फेंकी नहीं जाती पहले तो इनको सब किसी को रूल्स पता नहीं होते रूल्स क्या दिस आर जस्ट बेसिक मैनर्स बट आई वॉज लाइक कि रुको फिर मैं ये रख के आई तब ये अपेक्षा और वनिशा आ गई बाहर तो बोला क्या हुआ क्या हुआ तो मैंने उसको बोला कि इसको बोला डिलीवरी वाले को कि तुम ये निकालो करके तो इट वॉज लाइक मैं निकालता हूँ तो बोले वो तो निकालोगे मैंने बाद में एक वीडियो लिया जस्ट फॉर प्रूफ मुझे चाहिए था ना कि इसको एक अच्छा नहीं लगता है बिकॉज वो भी बहुत काम करते हैं पता है बट ऐसे रूड बिहेवियर से ये नहीं करना होता है तो बात भी वो बहुत रूडली करने लगा तो मुझे और गुस्सा आ गया एंड देन मैंने वीडियो निकाला तो ही वॉज लाइक ना नहीं नहीं अभी आपने ये कि पिक्चर्स क्लिक किया अभी मैं क्यों मेरे पास लिटरली वो क्लिप है वो अपेक्षा ने क्लिप शूट किया था मैं इधर डाल दूंगी मैंने आपने अभी वीडियो निकाला ना तो अभी मैं नहीं निकालने वाला और वो चला गया तो मैं उधर शॉक्ड रह गई कि ऐसे कौन बात करता है एंड वो गया बाद में हमने ही वो साइड में वो निकाल के डस्टबिन में डाल दिया
एंड अभी मैंने उसको रिव्यू दिया है, अच्छा नहीं लगता है बिकॉज वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वो सब मुझे पता है, बट रूडली बात करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर हमें भी ये तमीज़ भूलनी पड़ती है। तो यस, ऐसा कुछ हुआ, बहुत घटिया एक्सपीरियंस था स्विगी डिलीवरी वाले से, और कुछ एंड ऐसा कुछ था आज का दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को टिंग करके बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब हम न्यू वीडियो डालेंगे। बाय, राधे राधे, राधे राधे।